एक दिन एक औरत सब्जी बेचने आई। वह पूरे दिन गांव-गांव घूमकर सब्जी बेचा करती, जैसे गोभी, आलू, प्याज, टमाटर इत्यादि। अगले दिन सुबह जब वह सब्जी बेचने जा रही थी, तभी उसकी नजर एक सुंदर से खेत में पड़ा। उसे लहलहाती सब्जियों का खेत बहुत पसंद आई। वह खेत का मालिक बनना चाहती थी, लेकिन वह बहुत गरीब थी, इसीलिए वह खेत नहीं खरीद सकी। एक दिन सब्जी बेचने गाँव में जाती है, तभी गाँव की एक औरत जो उसे भली भांति जानती थी, वह बताने लगी, सब्जी वाली बहन, क्या तुम्हें पता है सब्जियों के खेत का मालिक अपना खेत बेच रहे हैं। इतना सुनते ही सब्जी वाली सीधा मालिक के पास जाकर बोली, मालिक आप अपने खेत क्यों बेच रहे हैं? तभी बुजुर्ग व्यक्ति बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं सब्जियों का देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो सब्जी वाली औरत खेत के दाम पूछे तो मालिक ने 400 सिक्के मांगे, लेकिन सब्जी वाली बहुत गरीब थी, वह 400 सिक्के देने में असमर्थ थी। तो बुजुर्ग आदमी से सब्जी वाली औरत बोली, बाबा अगर मैं 200 सिक्के आपको दे दूं और बाकी के 2 महीने में 100-100 करके दे दूं तो नहीं चलेगा? बुजुर्ग आदमी कुछ सोचा और बोला, ठीक है। सब्जी वाली औरत खेत को लेने के लिए ठान ली। वह और ज्यादा लगन और मेहनत से गांव में सब्जियां बेचने लगी, जिससे कि वह खेत जल्दी से खरीद सके। एक महीने बाद सब्जी वाली ने खेत के मालिक को 100 सिक्के दिए, लेकिन सब्जी वाली ने अपना मेहनत जारी रखा और देखते ही देखते मालिक के सारे पैसे दे दिए। बुजुर्ग आदमी पैसा पाकर बोला, अब तुमने सारे पैसे हमें दे दिए हैं, अब यह खेत तुम्हारा हो गया। ऐसा कहकर वह चला गया। सब्जी वाली अब बहुत खुश थी, क्योंकि अपनी मेहनत के बल पर वह एक खेत खरीद लिया था, जिसका वह मालिक बन चुकी थी।